नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुशील और आप सबका मेरे इस बिजनेस हंट यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत और बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो सारे भारत को, सारे भारतवासियों को भगवान श्री रामचंद्र जी का जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठान हुआ है, जो वहां वो विराजमान हुए हैं, उनके लिए बहुत बहुत और बहुत बधाई। दोस्तों, बधाई सिर्फ इसलिए नहीं है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का वहाँ प्राण प्रतिष्ठान हुआ है, ये 500 साल का एक अप्रतिम प्रयास है। ये हमारे भारत की बात है, ये हमारे सिविलाइजेशन की बात है, ये हमारा हिस्ट्री है, ये हमारे पूर्वज की बात है और यही भारत की पहचान है। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री रामचंद्र जी भारत की पहचान है, इसीलिए पूरे भारतवासियों को बहुत कोटि 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 बधाई। और इसी के साथ, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के कदम अयोध्या में पड़े हैं और भारत की तकदीर भी बदलना चालू हुई है, ये जो मैं खबर मैं आपको बताने वाला हूँ, उससे सारे भारतवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और आप सुन के ज़रूर कहेंगे कि जय श्री राम। तो दोस्तों, मेरे कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम जरूर लिखिए। तो दोस्तों, जो ब्रेकिंग खबर मैं आपको बताने वाला हूँ वो आ रहा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से। जी हाँ, BSE से, स्टॉक एक्सचेंज से आ रहा है। थोड़ा स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बता देता हूँ, वो जितने लोग जो कम जानते हैं, थोड़ा जानते हैं। 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। एक कॉटन मर्चेंट थे, प्रेमचंद रॉयचंद जी उनका नाम था। उन्होंने 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बॉम्बे में स्थापना करी थी। तब का बॉम्बे और आज का मुंबई, एक बरगद के पेड़ के नीचे से ही उन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना करी थी। और जहाँ पे कि जो इनिशियल पैसा था, जो थोड़ा सा पैसा था, वो 561 रुपए था। जी हाँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 561 रुपए से चालू हुआ था। और जो ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ, 23 जनवरी 2024, जी हाँ, सारे भारतवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इसी के साथ मेरे कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय जरूर लिखिएगा। आज हमारी जो टोटल मार्केट कैपिटल है, ये जितने भी शेयर्स हैं उसका जो कंबाइंड वैल्यू है वो 4.33 ट्रिलियन डॉलर्स हो गई है। जी हाँ, 4.33 ट्रिलियन डॉलर्स हो गई है। आज भारत 4 ट्रिलियन को भी आगे क्रॉस करते हुए 4.33 ट्रिलियन डॉलर्स की हमारे टोटल मार्केट कैपिटल की जो वैल्यू हो गई है। और इसी के साथ दूसरा सबसे बड़ा खबर ये होता है कि पूरे विश्व में भारत चौथे नंबर का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज देश बन चुका है। जी हाँ, हमने हांगकांग को भी पीछे छोड़ दिया। हांगकांग जो एशिया में 4.29 ट्रिलियन डॉलर्स का जिनका मार्केट कैपिटल हुआ करता था, हमने हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है। आज हम 4.33 ट्रिलियन डॉलर्स का एक मार्केट कैपिटल वाला देश बन चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ब्लूमबर्ग कह रहा है, इकोनॉमिक्स टाइम्स कह रहे हैं, सारे बड़े बड़े अखबार कह रहे हैं। तो दोस्तों, इसके लिए कि हम 4.33 ट्रिलियन डॉलर्स का एक मार्केट कैपिटल वाला देश बन चुके हैं और हम चौथे नंबर का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज वाला देश बन चुके हैं, आप सब मेरे कमेंट बॉक्स में एक बार भारत माता की जय ज़रूर लिखिएगा। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि हमारे आगे कौन कौन से देश हैं। तो हमारे आगे सबसे बड़ा जो है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, US। जी हाँ, जिनका जो मार्केट कैपिटल है वो लगभग 50.86 ट्रिलियन डॉलर्स का उनका मार्केट कैपिटल है। उसके बाद आता है चाइना, जो कि 8.43 ट्रिलियन डॉलर्स का जिनका मार्केट कैपिटल है। और उसके बाद आता है जापान, जो कि 6.36 ट्रिलियन डॉलर्स का उनका जो मार्केट कैपिटल है। और चौथे नंबर पे 23 जनवरी 2024 को भारत आता है, जो कि 4.33 ट्रिलियन डॉलर्स का मार्केट कैपिटल लेके खड़ा हुआ है। यस दोस्तों, इसी के साथ अपने इस दोस्त का नमस्कार स्वीकार करिए। और एक चीज़ ये भी मैं आपको बता दूँ, ये नया एफर्ट आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इस चैनल में, बिजनेस हंट में, ये आपको बदलाव कैसा लग रहा है, यहाँ पे मैं आपको अब बिजनेस न्यूज़ भी लेके देने वाला हूँ, मैं आपको स्टार्टअप न्यूज़ देने वाला हूँ, मैं आपको कुछ नया वेंचर होगा उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, जियोपॉलिटिकल न्यूज़ है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको मेरा एफर्ट कैसा लग रहा है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और बिजनेस हंट यूट्यूब चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।